शालोम, हमें अपने ईमान में साबित कदम रहना है, यकीनन हमारी मेहनत बेफायदा नहीं। वेलकम फ्रेंड्स टू माई चैनल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अजीजो, मैं पंजाब में सरहद की तरफ तकरीबन आखिरी जिला अटक के शहर हसन अबदाद में पैदा हुआ और वहीं यीशु पर ईमान लाया। वतन अजीज में जिस तरह आप सब गैर कौम में रहते हैं, बसते हैं, वैसे ही मैं भी रहा। शायद उस तौर से मुश्किलात नहीं सही जिस तरह अक्सर इलाकों में हमारे बहन भाई सहते हैं। शायद उस तौर से सोबतें भी बर्दाश्त नहीं की जिस तरह अक्सर हमारे लोग मुश्किलात बर्दाश्त करते रहे हैं या करते रहते हैं। अपनी खिदमत के दौरान मैं बहुत से ऐसे इलाकों में भी गया जहां मेरी मुलाकात ऐसे ही लोगों से हुई जो अपने ईमान के बाइस आजमाए जाते रहे थे और मुश्किलात में भी पड़ते थे। गा बगा ऐसे लोग भी बसते थे जिनको ठीक से दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी खुदा के कलाम को सुनने के लिए शौक रखते थे। ऐसे लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगा और अब भी जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो अपने अंदर गवाही रखते हैं तो मेरा ईमान ताज़ा हो जाता है। अजीजो, याद रखिएगा, वो शख्स मसीह नहीं जो अपने अंदर गवाही ना रखता हो। मैंने अब तक की ज़िंदगी में खुदावन से ऐसी बहुत सी तालीम पाई है। जब मैं खुदावन से अपनी महरूमियों की बात करता था या शिकवा करता था तो खुदावन मुझे ऐसे लोगों से मिलाकर ये सिखाता था कि मैं बहुत से लोगों से अच्छे हाल में हूँ। लेकिन हम अपने हासिल का खुदा के हजूर शुक्र करने के बजाय अपनी चाहतों की महरूमियों का खुदा से शिकवा करने लगते हैं, जो अच्छा रवैया नहीं। वो लोग जो हमारे जैसे हालात में नहीं, वो लोग जो दो वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खाते, वो लोग जो मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं, वो लोग जो मार और तोहमतों और इल्जामात का सामना करते हैं, वो लोग ईमान में हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। खुदा यही बातें मुझे सिखाता रहा और यही असल ईमान है जो दुखों और मुसीबतों में कायम हो। अब मुझे ये मालूम हुआ कि मैं तो अभी तक ऐसे हालात में से नहीं कभी गुजरा जिसमें मेरे ईमान को खतरा हो। अजीजो, सोचिए आपका ईमान कैसा है। क्या आप कभी अपने ईमान में आजमाए गए हैं? क्या कभी आप मुसीबतों में पड़े हैं? क्या कभी आपने यीशु के लिए थप्पड़ या मारे या तोहमतें या तोहीन बर्दाश्त की है? अगर हाँ तो क्या आप थक तो नहीं गए? क्या आप नामी तो नहीं हुए? याद रखें, रबी शाऊल पहला करंथियों 15वें बाप उसकी 58वीं आयत में फरमाते हैं, बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावन के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं है। अजीजो, खुदावन हमें ऐसी जगहों पर सैरो तफरी के लिए नहीं ले जाता, बल्कि इसलिए ले जाता है और ऐसे लोगों से इसलिए मिलाता है कि हम ऐसे लोगों को जिंदा खुदा की उम्मीद दिलाएं, उनके ईमान की अहमियत बताएं। इसी तरह खुदा हमें भी नसीहत देता है कि हम अपने ईमान की कदर करें। खुदा हमारी जिंदगियों से उन लोगों के लिए काम लेना चाहता है जो हमारे इर्द गिर्द हैं। हमें दूसरों के साथ साथ खुद भी खुदा उनमें पूर उम्मीद रहना है और अपनी दुआओं में मुस्तकिल मिजाजी दिखानी है। अपनी उम्मीदों, मंसूबों और इरादों को खुदावंद की मर्जी के नीचे रखना है, क्योंकि आज जो कुछ हम सब सह रहे हैं वो सब बेफायदा नहीं। खुदावंद के वादे सच्चे और बरहक हैं। सलामत रहें।